से ज्यादा इस गौशाला में आए और गौ माता की सेवा करें। जय गौ माता की, जय जय गौ हो माता गौ की, माता की, जय जय हो। हो। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जिसने गौ की सेवा कर ली वो जीवन तो निहाल है। गोपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। जिसने गौ की सेवा कर ली वो जीवन तो निहाल है। गोपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गो माता से प्रेम तू कर ले, गो माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गो माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। गाय की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो हम जीवन में पुण्य के भागीदार बनते हैं। गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति सुख समृद्धि उन्नति और स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि गौ माता की सेवा करो रोज, नवाओ शीश, खुश होकर देंगी तुम्हें वे लाखों आशीष। इसी गौ माता की सेवा भाव को सम्मुख रखते हुए पिंजौर के गांव मड़ावाला में श्री श्याम गौ सेवा समिति द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसके चेयरमैन सतीश धत्तरवाल और प्रधान भारतीय गौ रक्षा दल हरियाणा के प्रधान नवीन कुमार शर्मा की देखरेख में सुचारू रूप से गोवंश की सेवा की जा रही है। जानकारी देते हुए श्री श्याम गौ सेवा समिति के चेयरमैन सतीश धत्तरवाल ने बताया कि वह वर्ष 2010 से इस गौशाला से जुड़े हैं और निरंतर पूरे व्यापार मंडल मड़ावाला के सदस्यों में राजकुमार धत्तरवाल, राकेश धत्तरवाल, अनिल धत्तरवाल, दान सिंह, उदल सिंह, हरबीर सिंह, कृष्ण शरण, सुरेंद्र ढुल आदि के सहयोग से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गौशाला में लगभग 125 के करीब गोवंश हैं, जिनकी स्वास्थ्य की जांच के लिए हर समय विशेषतर एक वेटरनरी सर्जन डॉक्टर विकास जागलान भी अपनी सेवाएं देते हैं।
उन्होंने बताया कि बहुत से लोग इस गौशाला के संचालन में उनका सहयोग दे रहे हैं, जिसको लेकर वह सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही गौशाला में जरूरतमंद परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए स्कूल के लिए कमरों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें खाटू श्याम सेवा समिति का भी भरपूर सहयोग है। सतीश धत्तरवाल ने कहा कि गौ माता के लिए दिया गया दान और उनकी सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले गौ माता के लिए बढ़ चढ़ कर सेवा और दान दें। इसके साथ ही उन्होंने मड़ावाला पंचायत के सरपंच सरला देवी के पति हरबंस लाल, पवन चंदेल, बद्दी से रामकिशन चौधरी, गुरजीत सिंह बंटी, मनीष सिंगला, राजीव सिंगला आदि का भी धन्यवाद किया है। जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप गौशाला में आए हो मड़ावाला में, और क्या कहना चाहते हो पहले बताइए। आज सभी को राम राम। आपके चैनल के द्वारा मैं श्री श्याम गौ सेवा समिति मड़ावाला, हमारी गौशाला है मड़ावाला के अंदर, ये काफ़ी सालों से हम यहाँ गौशाला में आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। मैं लगभग इस गौशाला से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी व्यापार मंडल मड़ावाला भी इस गौशाला से 2010 से जुड़ी हुई है। इस गौशाला में हम बहुत सा गौ माता के लिए सहयोग करते हैं, दिन रात गौ माता के लिए हम लगे रहते हैं और गौ माता मेरे पे हमेशा आशीर्वाद बना के रखती है। जो भी मैं गौ माता से मांगता हूँ गौ माता मेरे को हमेशा देती है। तो और क्या कहना चाहोगे? जैसे गौएं यहाँ पर जैसे हर साल क्या बढ़ाई जाती है, क्या कहना चाहते हो? ऐसा है जी, हमारे गौशाला में, मैं इस गौशाला में लगभग 2010 से चेयरमैन हूँ और हमारे गौशाला के प्रधान हैं श्री नवीन कुमार शर्मा जी, वो भारतीय गौ रक्षा दल के चेयरमैन भी हैं हरियाणा से। वो एक बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं और वो हमेशा गौ माता की सेवा के तत्व के ऊपर रहते हैं और हमेशा गौ माता की सेवा अत्यधिक करते हैं और ये गौशाला हमारे प्रधान जी की देखरेख में चलती है और हमारा भी इसमें भरपूर सहयोग होता है। मेरी व्यापार मंडल मड़ावाला और इस क्षेत्रवासियों का भी इस गौशाला में, ये मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ हमारे गौशाला में अलग अलग प्रकार से। अभी ये तूड़ी का इतना बड़ा सेट बनवाया है मेरी व्यापार मंडल मड़ावाला में, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग मेरे व्यापार मंडल मड़ावाला के, जिसमें राजकुमार धत्तरवाल और राकेश धत्तरवाल, अनिल धत्तरवाल, और इसमें दान सिंह उदल भाई और हरबीर सिंह, सुरेंद्र धूल कैशियर है हमारी व्यापार मंडल मड़ावाला के, कृष्ण शोराण, इनका जितने भी मेरे खाटू सेवा समिति जितने भी चलाते हैं उनका भी मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं चेयरमैन की तरफ से, इस गौशाला के चेयरमैन की तरफ से। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यापार मंडल मड़ावाला के जितने भी भाई हैं मैं उनसे विनती करता हूं कि आप इस गौशाला में आएं, जब भी आपको टाइम लगे गौ माता का आशीर्वाद लें। ये देखो कितना बड़ा तूड़ी का सेट बनवाया है मेरी व्यापार मंडल मड़ावाला और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से। ये गौ माता के लिए इसमें लगभग 10 ट्रोले तूड़ी के आ सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम हो गया। और खास करके मेरे दोस्त हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, राजीव सिंगला जो कुंडलास लोहा उद्योग मिल के मालिक हैं, उन्होंने भरपूर सहयोग किया इस गौशाला में, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुंडलास उद्योग मिल के मालिक राजीव सिंगला और मनीष सिंगला, उन्होंने इस गौशाला के अंदर बहुत सा दान दिया है, खास करके गौ माता के लिए बड़े बड़े सेट बनवाने, ये व्यापार मंडल मड़ावाला में इसमें भी बहुत दान पुण्य किया है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ हमारी गौशाला में, ये देखो हमारे अभी ये नया सिस्टम बनाया है ड्रम से, हमने ये ड्रम दिए थे हमारे प्रधान जी गौशाला के लिए, प्रधान जी को नवीन कुमार शर्मा जी को, इन्होंने इस गौशाला को अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे बच्चे भी इसमें खा सकते हैं। और गौ माता, ये देखो हमारी गौ माता कोई भी कमजोर नहीं है और इस गौशाला के अंदर हम भरपूर सहयोग कर रहे हैं और गौ माता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। तो जैसे स्थिति अपनी गौ माता बीमार हो जाती है तो क्या डॉक्टर अवेलेबल होते हैं? स्पेशल डॉक्टर लगे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर विकास जागलान वेटरनरी सर्जन है, नानकपुर प्रेजेंट उनकी ड्यूटी है, उन्होंने आगे VLD भी लगा रखे हैं, जैसे मड़ावाला में VLD है अलग अलग स्थान पे, तो इस गौशाला में ये गौशाला डॉक्टर की देखरेख में है, हमारे डॉक्टर विकास जागलान जी, जिन्होंने उस टाइम में गौ माता की महामारी आई थी, उस टाइम में लैम्पी बीमारी आई थी, उस टाइम में हमारी गौशाला के अंदर एक जीरो डेथ हुई थी, हमारी गौशाला में कोई भी गौ माता की डेथ नहीं हुई थी,
हमारे डॉक्टर विकास जागलान की देखरेख में, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वो हमेशा तकरीबन इस गौशाला में आते हैं और गौ माता की देखरेख करते हैं। कितने गऊ हैं यहां पर अपने? हमारे यहां लगभग 100 से 125 गौ माता हैं, छोटी बड़ी मिला के। इसमें नंदी भी हैं और गौ माता भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो यहाँ हम भरपूर सहयोग करते हैं, गौ माता हमारे पे आशीर्वाद बना के रखती है। और मेरी व्यापार मंडल मडावाला भी और जितने भी इस मार्केट के मडावाला में जितने भी मार्केट जैसे दुकानदार हैं, किराना दुकानदार हैं, वो भी इस गौशाला में और बद्दी से भी बहुत ही फार्मा फैक्ट्री वाले और कई दुकानदार वो भी यहाँ आते हैं, वो भी यहाँ सहयोग करते हैं। मैं उन सबका भी चेयरमैन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और व्यापार मंडल मडावाला के प्रधान की तरफ से मैं उन सबका शुक्रिया और धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। स्थिति जी, जैसे कि यहां पर गौएं कोई देना चाहता है तो क्या उसके आप पेड़ लेते हो क्या? ऐसा जी, ऐसे कोई गौ नहीं लेंगे हमें, कोई भी ऐसे कोई देना चाहता है। ज्यादातर हम देसी गाय के ऊपर ही डिपेंड हैं, हम भारत में हम देसी गाय का ही ज़्यादा हम प्रचलन चलाना चाहते हैं। हरियाणा नस्ल की गाय हो या गुजरात नस्ल की हो या गिर नस्ल की हो, हम ज़्यादातर हमारी गौशाला के अंदर देसी गाय का ही हम बढ़ावा करना चाहते हैं और देसी गाय का ही हम आगे हम उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। और गौशाला में हम ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला के अंदर हम देसी गाय लेके आना चाहते हैं। जैसे कि मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, कालका निवासियों को, सबको ये सूचित करता हूँ कि हमारी गौ श्याम गौशाला सेवा समिति मंडल में हमारे यहाँ हरे चारे की सेवा के लिए एक गाड़ी जैसे 6500 और 9500 रुपए के बीच में आती है। आप सबका मैं सहयोग मांगता हूँ कि आप गौ माता के आशीर्वाद लें और ज्यादा से ज्यादा इस गौशाला के अंदर सहयोग करें। एक दिन की तूड़ी की सेवा 5100 रुपए है और एक दिन की खल की सेवा 5100 रुपए है और एक गाय मासिक वेच 4100 रुपए और दलिया स्वामनी 3100 रुपए और एक बोरी खल की 1600 रुपए की या आज के दिन लगभग 2000 रुपए की हो रखी है। और एक दिन की गुड़ की सेवा 500 रुपए और एक दिन की दवा कैल्शियम 500 रुपए। तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से और व्यापार मंडल मडावाला के जितने भी व्यापारी भाई हैं, मैं उन सब से विनती करता हूं कि आप जरूर गौ माता की सेवा करें। गौ माता कभी अपने ऊपर उधार नहीं लेती, वो आपको डबल करके लौटाएगी, ये मेरी आशा है। और मैं बहुत सालों से गौ माता की सेवा करता हूं, भगवान ने मेरे को, गौ माता ने कोई भी कमी नहीं रखी है। मैं गौ माता का आशीर्वाद हमेशा लेता रहता हूं और मैं आप सब से भी विनती करता हूं और सहयोग मांगता हूं कि आप मडावाला गौशाला में आएं और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा गौ माता की सेवा करें। मैं आपको दिखाता हूं, हमारी गौशाला में तकरीबन हरा चारा गौ माता के लिए आता रहता है और ये सेंधा नमक है। ये सेंधा नमक की वजह से हमारी गौ माता इसको चाटेगी, खाके खाना खाके उसके बाद कभी बीमार नहीं होगी। ये सेंधा नमक चाटने से गौ माता के पेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो खाना खाके आराम से अच्छी तरीके से इससे हाजमा हो जाएगा और कभी भी गौ माता इससे बीमार नहीं होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, हमारी गौशाला में भरपूर हरे चारे क्या जो लोग दान पुण्य करने वाले, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अभी भी मैं दिखाऊंगा आपको, वहां गाड़ियां आई हुई हरे चारे की पंजाब से और हरियाणा से, मैं आपको आगे दिखाता हूं सारे। ये अभी हमारे पंजाब से पंजाब से ये हरे चारे की गाड़ी आई है, ये अभी गन्ने की गाड़ी आई है। ये गौ माता को हम काट के खिलाएंगे, ये हमारे 5-10 दिन हरा चारा चल जाएगा। ये तूड़ी के साथ मिला के हम गौ माता को खिलाते हैं। ये गाड़ी लुधियाना से आई है, मैं इनका भी, गाड़ी मालिकों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये हर टाइम ये गौशाला के ऊपर तत्पर रहते हैं और हमेशा गौ के लिए यहाँ गाड़ियाँ लेके आते हैं और ये भी कुछ गौ माता के लिए कंसेक्शन कर देते हैं, छूट कर देते हैं। हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जो हरा चारा देते हैं हमारे, वो भी गौ माता के लिए छूट कर देते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ, जिस तरह से जैसे कि यहाँ पर बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को, यहाँ स्कूल आपने बनाया हुआ था तो वो स्कूल का अभी हमारा ये जो इस कमरों का निर्माण हो रहा है और अभी गर्मियों में हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से, एक कमरों के लिए हमारे अभी ईंटें आई हैं। तो ये देखो, ये कमरे हमारे बहुत ही जल्द बनने वाले हैं। हमारी व्यापार मंडल मडावाला के जो भी दानदाता हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये कमरे, लगभग और खाटू सेवा समिति ने भी आश्वासन दिया है कि ये कमरे जल्द ही 2-3 महीने में बनके तैयार हो जाएंगे। ये मिट्टी और ईंटें आ गई हैं, बस 2-4 दिन के अंदर मिस्त्री लग जाएंगे और इसमें हम गरीब बच्चों को, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। इस गौशाला में पाठशाला है, छोटे बच्चे, गरीब बच्चे जितने भी हैं उनको यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है।
ये गाय एक गिर नस्ल की गाय है, बहुत अच्छी देसी गाय है। और इसके गाय के हाथ फेरने से जिसके बीपी शुगर हो, बीपी की कोई भी बीमारी हो, तो गाय से जैसे ऐसे हाथ फेरते हैं तो कभी भी बीपी की बीमारी नहीं होगी। ये तो अपने आज तक मीडिया में आई है, विदेशों के अंदर गाय के हाथ फेरने के पैसे लेते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर गाय को माता का दर्जा दिया है। और गाय हमेशा गाय के ऊपर हाथ फेरने से बीपी शुगर की कोई भी बीमारी, जिसका बीपी हाई हो, तो आप एक बार ऐसे गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे, ये डॉक्टरों का कहना है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विकास। ये गाय कहाँ से आई है वैसे? ये गाय हम गुजरात से लेके आए हैं। कितनी कीमत होगी इसकी? इसकी कीमत का तो अभी कोई पता नहीं, हमारे प्रधान जी को पता है, लेकिन ये गाय बहुत ही अच्छी और अच्छी तरीके से हम, ये देखो इनका दूध भी निकाल सकते हैं, ये देखो हम आराम से इसका दूध पी सकते हैं। ये देखो ये गाय माता बहुत ही अच्छी और शुद्धी है, और मैं हमेशा इस गाय माता की सेवा करता रहता हूँ। और इसके पास आके जब भी मेरे कोई दिमाग में कोई भी बात हो तो मैं भगवान से या गौ माता से आशीर्वाद मांगता हूँ, और गाय माता हमेशा मेरे को आशीर्वाद देती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमने अलग अलग वार्ड बना रखे हैं हमारी गौ माता के लिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये गौ माता सब हमारी कोई कमजोर नहीं है, गौ माता हमारी मोटी ताजी है, क्योंकि हमारी व्यापार मंडल माड़ा वाला इस गौशाला के अंदर भरपूर सहयोग कर रही है। जितने भी इस गौ माता में इस गौशाला के अंदर दान दाता है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस गौशाला के अंदर आए और गौ माता का आशीर्वाद प्रदान करें और गौ माता की हमेशा सेवा करें। गौ माता, फिर से मैं कह रहा हूँ, गौ माता आपके ऊपर कोई भी उधार नहीं लेती, दान किया हो आपको डबल करके देगी। आपको गौ माता माता का दर्जा दिया हुआ है। एक 33 करोड़ देव देवता गौ माता के अंदर बसते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, क्षेत्रवासियों से, कालका वासियों से और हरियाणा सरकार से भी विनती करता हूँ कि हमारे गौशाला के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें और हमारे गौशाला का सहयोग करें। अस्थी जी, जैसे कि अपने गौ माता के लिए यहाँ पर शेड कितने बनाए गए अभी तक? ये हमारे यहाँ लगभग 5 या 6 6 और 8 8 8 शेड बने हुए हैं। इसमें हमने अलग अलग वार्ड बना रखे हैं, जैसे कोई बूढ़ी गौ माता है या जवान है, बछड़े हैं, इनके हमने अलग अलग वार्ड बना रखे हैं और हम अलग अलग गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और इन सब के सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे पंडित जी हैं यहाँ मड़ावाला से, ये भी हमेशा गौशाला में आते रहते हैं और ये भी गौ माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर गौओं के लिए दलिया रोज बनाया जाता था? दलिया हमारे 2-4 दिन से लगभग बनता है, और दलिया हम हर गौ माता को खिलाते हैं, छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हफ्ते में 2 या 3 बार हरे चारे की ट्रोली भी आती है और दलिया बनता है। अलग अलग प्रकार के हमारी गौशाला में विभिन्न कार्य चलते रहते हैं गौ माता की सेवा के लिए। ये देखो हमारी गौ माता, कोई भी गौ माता कमजोर नहीं है और इसकी भरपूर गौ माता की सेवा हो रही है। सिर्फ ये बीच में नंदी भी है, ये मोटे ताजा, ये देखो, ये हर प्रकार की गौ माता, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनकी सबकी सेवा, भरपूर सेवा हो रही है। के अंदर अभी हरा चारा पर डे हफ्ते में 2 बार आता है, और ये सभी अलग अलग प्रकार के दानदाता भाई हैं, जितने भी दानदाता हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस गौशाला के अंदर वो दान पुण्य करते रहते हैं। और ये देखो, ये अभी हरा चारा आया है पंजाब से, और ये पहले का आया हुआ कल का। ये देखो हमारे जितने भी भाई हैं गौ सेवा करने वाले, इनको हमने अलग अलग हरे चारे का यहाँ कटवा के गौ माता को खिलाते हैं, और मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारी गौ माता की हमेशा देख रेख करते हैं, ये हमारे गौशाला में काम करते हैं। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं मड़ावाला सरपंच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हरबंश लाल जी का, उन्होंने भी इस गौशाला में भरपूर सहयोग किया है। इस गौशाला निर्माण बनवाने में, इस गौशाला को यानी कि बनवाने में मड़ावाला सरपंच हरबंश लाल जी का भी बहुत सहयोग है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूँ। और मड़ावाला निवासी गुरजीत सिंह बंटी भाई हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो भी इस गौशाला में भरपूर सहयोग करते हैं। पवन चंदेल हैं छोटे भाई, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और खास करके बद्दी के श्री रामकिशन गुजर भाई हैं, रामकिशन चौधरी, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो भी इस गौशाला के अंदर पिछले साल तूड़ी का बड़ा टोला डलवाया था 1.25 लाख रुपए का, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी जितने भी दान दाता हैं, इस गौशाला में दान देते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा इस गौशाला में आए और गौ माता की सेवा करें।
जय गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। मेरा नाम आशीष कुमार है जी। आप यहाँ गौशाला में आते हो मड़ा वाले में, क्या आप क्या लगता है यहाँ पर? यहाँ के एक अलग सा सुकून मिलता है जी, गाय माता की सेवा करते हैं तो गाय माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है जी। तो आप हर महीने आते हो? मैं हफ्ते में भी आ जाता हूँ, महीने में तो आता ही आता हूँ, हफ्ते में एक या दो बार आ जाता हूँ। तो आप यहाँ मड़ावाड़े ही रहते हो? नहीं, मैं रहता हूँ सर बद्दी। तो बद्दी से आते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, बद्दी से आता हूँ सर। तो और कुछ कहना चाहोगे गौ माता के बारे में? भाई गौ हमारी माता है, जैसे घर पे माता ये भी माता है, सेवा करनी चाहिए सर, गौ की भी, सभी की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की भी, सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। जय गौ माता।